अखबार में एक रिपोर्ट आई है कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा समर सिंह के अलावा तीन और लोगों का, संजय सिंह का, संदीप सिंह का और अरुण पांडे का, और कपड़ों की जांच की रिपोर्ट आई है। क्या है ये रिपोर्ट और जांच में क्या बातें सामने आई है? सर, पहला से यही सवाल रहेगा कि क्या रिपोर्ट में क्या ऐसा आया है कि डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ी पुलिस को? देखिए, इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो शुरू से ही ऐसी भूमिका में है, लग रहा है कि हम लोग अपोजिट पार्टी हैं जी और वो जो एक्यूज्ड है वो उनके साथ अपराध हुआ है। मतलब पुलिस लगातार जो है वादी मुकदमा से और वादी मुकदमा के अधिवक्ता से, माने मुझसे, लगातार गोपनीयता बरत रही है। और हम लोगों का फर्स्ट डे से यही इंस्टेंस है कि आकांक्षा की हत्या की गई है और उसके साथ कोई मिस हैपनिंग की गई है। इसीलिए हम लोग बार बार इस बात की मांग कर रहे थे कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड वगैरह पाए गए उनकी भी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए और इस भी एंगल से जांच किया जाना चाहिए कि कहीं उसके उसके उनके साथ यौन अपराध तो नहीं घटित हुआ है। और इसके बाबत डीजीपी उत्तर प्रदेश का एक शासनादेश भी बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किसी महिला के साथ कोई भी अपराध घटता है जिसमें वो अकेली होती है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यौन अपराधों की भी के भी दृष्टिकोण में विवेचना की जाए। खैर, जी मुझे लगता है कि अभी बिस्रा रिपोर्ट और वो फॉरेंसिक रिपोर्ट, लैब टेस्ट रिपोर्ट वगैरह कुछ रिपोर्टें पुलिस के पास आई हैं और जैसा हम लोग कह रहे थे, मुझे लगता है कि वही सेम चीजें पाई गई हैं। लेकिन अभी भी पुलिस हम लोगों को कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लगातार प्रयास के बावजूद, माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद, अभी तक विवेचक 164 का बयान कराने को नहीं तैयार हो रहा है, जबकि 164 का या वादनी का बयान मैंडेटरी है अगर आप लीगल प्रोसीडिंग में एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो। लेकिन बयान तो नहीं कराया विवेचक ने, और लेकिन 164 के बयान के लिए माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद बयान नहीं कराया। तो निश्चित तौर पर इस मामले में पुलिस अपने अपने स्रोत से, तो जो आकांक्षा की मां का आरोप है कि अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रही है, वह सही प्रतीत होता है। परंतु जैसा कि अखबारों में आज रिपोर्ट आ रही है, हम लोगों को भी अखबारों के ही माध्यम से पता चला है जी, कि उनके उनके जो कपड़े कपड़े की थे, जांच इनर करना। वियर्स थे, उस हाँ पे कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंस पाए गए हैं, कुछ ऐसे एविडेंस पाए गए हैं जिससे कि इसकी जरूरत पड़ रही है। अब कल हम लोग एक अप्लीकेशन माननीय न्यायालय में देंगे कि जो भी रिपोर्टें जांच होकर के आई हैं, मोबाइल डिटेल्स, बिस्रा रिपोर्ट और फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट और लैब टेस्ट की रिपोर्ट, वह माननीय न्यायालय में मंगाई जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि हम लोगों को इस चीज को जानने का मौका मिले कि आखिर हमारे क्लाइंट के साथ क्या घटित हुआ है और पुलिस क्या छुपाने का प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो भी जिन भी सूत्रों से यह खबर आई है, वो हम लोगों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली खबर है कि पुलिस कितना भी प्रयास कर रही है अभियुक्तों को बचाने का, परंतु हम लोगों के ही स्टोरी पर या हम लोग जिस बात पर लगातार बल दे रहे हैं, वही बात साबित होती जा रही है। नहीं, इसमें मुझे ये थोड़ा क्लियर किया जाए। ये जो खबर अखबारों में छपी है उसके मुताबिक सिर्फ कपड़े की जांच रिपोर्ट आई है, विसरा फॉरेंसिक और वेजाइनल वाला एक स्वाब का ये होता है, वो सब रिपोर्ट शायद नहीं आई है। अब तो या देखिए, इतने दिनों में 1 से 1.5 महीना लगता है इन सारी रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके। आज देखिए 26, आज 27 है, आज 2 महीने से ज्यादा दिन हो गए, 27 28 तारीख है आज, तो जी मतलब 2 महीने से ज्यादा दिन हो गए, तो आखिर पुलिस कर क्या रही है? और ये रिपोर्ट्स आ गई तो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही है? पुलिस को तो बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सैकड़ों मीडिया के बंधुओं को जुटा करके बयान दे रहे थे, अब वो लोग बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? अब उनको बयान देना चाहिए ना कि उनके जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या रिपोर्ट आई है, क्या नहीं आई है, इस बारे में कोई जानने का अधिकार वादिनी को नहीं है, आकांक्षा की माँ को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसकी रिपोर्ट्स में क्या क्या बातें आई हैं। और वो चीजें आई तो आकांक्षा की माँ को बता क्यों नहीं रहे हैं? आखिर किसको बचाना चाहते हैं? ये सारी चीजों पर हम लोग कल माननीय न्यायालय में फिर से प्रेयर करेंगे। जी, मुझे थोड़ा सा, चूंकि आप लोग ऐसे मामलों को देखते आए हैं, ये डीएनए मतलब रिपोर्ट में कुछ न कुछ तो है ऐसा जिस, और वो
कुछ ऐसा है, और उन 4 लोगों का ही चयन किया गया है डीएनए टेस्ट के लिए। जिनके ऊपर हम लोगों ने आरोप लगाया है। ठीक जी 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 है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जी पुलिस ने इस मामले को प्रथम दृष्टया जब तत्कालीन एसीपी ज्ञान प्रकाश राय जी घटनास्थल पर पहुंचे, उसी समय उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है वो है सुसाइड का मामला। आत्महत्या है। जी अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों के सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी बैठे हुए थे, और उन्होंने उस फोटो को देख करके बताया कि नहीं, इस तरह से जो नॉट लगी हुई है वह नॉट सेल्फ रूप से लगाने से लग नहीं सकती है। उस पर फिर हम लोगों ने मोदी का जो जुरिस्प्रूडेंस है के एन मोदी का, उस पर हमने डिस्कशन किया, जो ये नॉट है वो खुद से लग नहीं सकती है। खुद से नॉट लगेगी तो उसका फंदा बाहर की, उसकी गांठे बाहर की तरफ होंगी, और अगर दूसरा कोई लगाएगा तो वो अंदर की तरफ हो सकती है। तो वो सारी चीजें जो एविडेंस के तौर पर हम लोग बार बार पुलिस प्रशासन के सामने रख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन कैसे डिनाई कर रहा है, और कैसे न्याय की हत्या हो रही है, कैसे आकांक्षा की माँ के मांगते मांगते थक जाने के बावजूद न्याय नहीं मिल पा रहा है, और हम लोगों के प्रयास के बावजूद, न्यायालय के आदेश के बावजूद विवेचक 164 नहीं करा रहे, जबकि अगर विवेचक ने 164 कराया होता तो ये सारी बातें आकांक्षा की माँ के बयान में आ गई होती। अच्छा, ये डीएनए टेस्ट से मतलब क्या पुलिस को जानना, पुलिस जानना चाह रही है, अब ये तो कुछ कुल बता देखिए पाएंगे डीएनए आप? टेस्ट का मतलब, अगर उनके कपड़ों पर, आकांक्षा के इनर वियर्स पर अगर कोई ऐसे स्पर्म्स वगैरह पाए गए हैं, और अगर उनकी डीएनए की जांच कराई जानी है, तो निश्चित तौर पर इसका मतलब साफ है कि आकांक्षा के साथ बलात्कार हुआ था मरने से पहले, और बलात्कार हुआ था इसका मतलब वो खुद से नहीं मरी है, उसको उसके साथ पहले बलात्कार हुआ, उसके बाद उसको हत्या करके उसको फांसी पर टांग दिया गया। लेकिन ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है, और हम लोगों को पुलिस के द्वारा डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो हमारा जो कहना है वो अभी तक कायम है, और हम उस पर कायम है। आकांक्षा की माँ का शुरू से यह कहना है कि हमारी बेटी के साथ मिस हैपनिंग हुई है और उसकी हत्या हुई है, और ये सारी पुलिस के सारी कसरतों के बावजूद यह कहानी उसी ओर बढ़ती दिखाई दे रही है कि आकांक्षा की हत्या की गई है और हत्या के साथ उसके साथ मिस हैपनिंग की गई है। अच्छा, अब पुलिस चूंकि यहाँ तक जांच पहुंच गई है, रिपोर्ट आ गई है, अदालत में अब अर्जी दी जाएगी कि डीएनए टेस्ट की अनुमति मांगी जाएगी। अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? अच्छा, चूंकि आप लोग जो कहते आ रहे हैं, जो आप लोग का आरोप है या जिसको लेकर आप कोर्ट में गए हैं, मामला चल रहा है, वही चीजें आपके मुताबिक सामने ही आ रही है, तो जी नेक्स्ट जी स्टेप क्या होगा आपका? नहीं बिल्कुल, देखिए हमारे सामने तो पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। हम लोगों ने शासन को भी पत्र लिखा है, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट के लिए हम लोगों की तैयारी हो गई है कि इस मामले में जो भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। पुलिस लगातार अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये हमारा प्रार्थना पत्र 6 अप्रैल से पेंडिंग है, तो निश्चित तौर पर उसी पर हम एक और प्रार्थना पत्र लेकर के जाएंगे कि वो क्यों ये डीएनए टेस्ट कराना चाह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दें, उसके कपड़ों पर क्या क्या पाया गया है, कौन कौन सी रिपोर्ट आई है, ये सारी रिपोर्ट्स दें, विवेचक न्यायालय को दें। जी, इस बीच में तो आप शायद ईओयू में जाने के लिए भी कुछ प्रार्थना पत्र और कुछ आप बता रहे थे बस लास्ट टाइम। वही 164 के लिए, चूंकि हम लोगों की बात हुई थी पुलिस प्रशासन से भी, तो वो 164 कराने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए हम लोग रुक गए। लेकिन अब 164 अगर वो नहीं कराते हैं तो फिर हम लोग यही बयान जो है कि माननीय न्यायालय से देंगे अप्लीकेशन की इसकी आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा से और साइबर क्राइम से भी इस मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि आकांक्षा के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑपरेट समर सिंह और संजय सिंह करते थे, तो और उसके सारे पैसे संजय सिंह के खाते में जाते थे, ऐसा आकांक्षा की माँ ने और आकांक्षा के मैनेजर ने बताया है। तो अब उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो जो आकांक्षा की माँ का आरोप था कि हमारी बेटी को एक एक्सटॉर्शन किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था और उसका इस्तेमाल किया जाता था, वो चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे। जी, हाँ, हम थोड़ा सा इससे पहले जो आपने लाइन ली थी, आपने बताया था कुछ इस तरीके से कि आकांक्षा के साथ लास्ट टाइम में कुछ मिस हैपनिंग हुई है,
10 सुसाइड या कत्ल हुआ है, जो भी हो नहीं, सुसाइड तो है ही नहीं, है ही वो नहीं, ठीक है, कत्ल आपके है। हाँ मुताबिक कत्ल हुआ है या मधु दुबे के मुताबिक मर्डर है सब कुछ। ये इसमें चूंकि 4 लोगों की जांच की बात सामने आ रही है, डीएनए टेस्ट कराने की बात सामने आ रही है, तो क्या आपस में ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है क्या? बिल्कुल इंटरलिंक है भाई। तो मैं कह रहा हूं, अगर 164 का बयान होता तो इनके इंटरलिंक का कनेक्शन आकांक्षा की मां देने को तैयार है। उनके पास एविडेंसेस है कि ये लोग कैसे आपस में इंटरलिंक है, लेकिन पुलिस इनको आपस में इंटरलिंक मान नहीं रही है। संजय सिंह की समर सिंह की बनारस में उपस्थिति, संदीप सिंह का छोड़ने जाना, अरुण पांडे का उसको होटल बुलाना, और ये सारी चीजें मिल करके यह साबित करती है कि ये सारे लोग आपस में एक है और एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर पुलिस कॉल डिटेल कायदे से खंगालती तो इन लोगों का कनेक्शन भी सामने आ सकता था, लेकिन पुलिस की तो भूमिका अब पूरी दुनिया देख रही है। मैं क्या बताऊं इस मामले में, इस अच्छा मामले को समर वो इस पूरे मामले को वो राजपूत वो जो मुंबई वाला था, क्या नाम था सुशांत सिंह उसका, राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत की तरह हत्या आत्महत्या साबित करने की पूरी योजना पुलिस की थी, लेकिन आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के लग जाने की वजह से पुलिस की यह योजना फेल हो गई। अच्छा इसमें एक चीज और, हम लोग हालांकि एक्सपर्ट ज्यादा बता सकते हैं या पुलिस ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन इन 4 लोगों का नाम डीएनए टेस्ट के लिए लिया गया है, तो इससे ये तो माना जा सकता है ना कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें शायद 4 लोगों का कुछ, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का कुछ ये आया होगा, तभी तो ये 4 लोग। अब ये 4 लोगों का आया कि नहीं आया या 1 लोगों का आया, तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है ये जानने के लिए पुलिस ऐसा कर सकती है, लेकिन जी इस जी पर जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं वही बता पाएंगे। थैंक जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू सर, थैंक यू।